नमस्कार, आप सभी को जय श्री कृष्ण। अमेरिका डूब जाएगा, अमेरिका पर बड़ा खतरा, भारतवासी वापस लौट आओ। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका नामक राष्ट्र के विषय में। देखिए, वैसे हम अमेरिका के विषय में आपको बताने ही वाले थे, परंतु अब जो अमेरिका को लेकर चेतावनी जारी की गई है या फिर भविष्यवाणी की गई है, वो इतनी डरावनी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पता चलने वाला है कि आखिर अमेरिका में क्या होने वाला है, अमेरिका में ऐसा क्या घटना घटने वाला है जिसके कारण पूरा अमेरिका डूब जाने वाला है, जिसके कारण पूरा अमेरिका समाप्त हो जाने वाला है। देखिए, वैसे भविष्यवाणी का ये कहती है कि अमेरिका ही नहीं अपितु रूस नामक जो राष्ट्र है, या फिर चीन नामक जो राष्ट्र है, जापान नामक जो राष्ट्र है, ऐसे ही जितने भी बड़े बड़े राष्ट्र हैं जो कि समुद्र के किनारे हैं, वो आने वाले समय में डूब जाएंगे। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने कई वीडियो में आपको समझाया भी है, कई वीडियो में आपको बताया भी है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक 10,000 वर्ष बाद जो है ध्रुव जो है वो परिवर्तित होते हैं, जिसे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो आप देखिए कि अभी वो समय चल रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दक्षिणी ध्रुव है वो उत्तरी ध्रुव की ओर सरक रहा है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी राष्ट्र हैं या फिर जितने भी महाद्वीप हैं, हम सभी जानते हैं कि ये प्लेटों के ऊपर निर्धारित हैं, यानी कि प्लेटों के ऊपर टिके हुए हैं। तो जैसे ही उत्तरी ध्रुव अपने स्थान को छोड़ता है, तो ये जितनी भी प्लेट है धीरे धीरे खिसकने लगते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जिस प्रकार से ये प्लेट खिसकते हैं, तो हम देखते हैं कि लगातार भूकंप आते हैं, या फिर यदि हम बात करें तो आप देखिए प्राकृतिक आपदाएं आते हैं। तो उसी प्रकार से आज अमेरिका नामक राष्ट्र जहां पर है, कहते हैं कि एक समय बाद वो अमेरिका नामक राष्ट्र नहीं रहेगा, यह पूर्णतः जल के भीतर समाहित हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव अपना स्थान परिवर्तित करेगा, वैसे वैसे वहां पर जल बढ़ता चला जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ता चला जाएगा। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने भी कहा था कि आने वाले समय में समुद्र का जल स्तर इतना अधिक बढ़ जाएगा कि समुद्र के किनारे जितने भी राष्ट्र हैं या फिर महानगर है, वो आप देखेंगे कि समुद्र के किनारे जो बसे हुए हैं वो समुद्र के भीतर समाहित हो जाएंगे। तो इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो जो अमेरिका नामक राष्ट्र है, वो आप देखेंगे कि समय के साथ धीरे धीरे जलमग्न हो जाएगा, यानी कि इसका अस्तित्व सदा के लिए मिट जाएगा। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कहाँ जाएंगे? तो देखिए, जो लोग इस विषय में जानते हैं, जो लोग समझदार हैं, जिन्हें पता है कि आने वाले समय में अमेरिका डूब जाएगा, वो लोग सच में अमेरिका को छोड़कर अब जा रहे हैं। यदि आप आंकड़ा निकालें तो पिछले कुछ समय में अमेरिका में बहुत सारे जो अमीर लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा धन है, वो अमेरिका को छोड़ करके किसी अन्य राष्ट्र में आप कह सकते हैं जा रहे हैं, यानी कि वो वहां से पलायन कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि एक समय ऐसा आएगा जहां पर अमेरिका नामक जो राष्ट्र है वो सदा के लिए डूब जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक है। आप कहेंगे कि आप ये भविष्यवाणी कहां से बता रहे हैं? तो देखिए, भविष्य मालिका में पहले से ही लिख दिया गया है कि कितने राष्ट्र डूबने वाले हैं। सारी जानकारी वहां पर स्पष्ट रूप से लिखी गई है। उसी में लिखा गया है कि अमेरिका नामक राष्ट्र एक समय बाद कहीं ना कहीं जलमग्न हो जाएगा। तो इसी से आप सोच सकते हैं कि भविष्य मालिका की रचना जिन संतों ने की थी, वो कितने दूरगामी रहे होंगे, वो कितने साधक रहे होंगे, साधना के माध्यम से उन्होंने जान लिया था कि आने वाले समय में अमेरिका के साथ क्या होने वाला है, इस विश्व के साथ क्या होने वाला है, किस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे संत कितने दूरगामी रहे होंगे। तो देखिए, यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा महामंदी आने वाला है, जहां पर लोगों के पास भोजन नहीं रहने वाला है, जहां पर लोगों के पास रोजगार नहीं रहने वाला है। स्मरण कीजिए 2007 में किस प्रकार से अमेरिका के अंदर एक महामंदी आई थी, जिसके कारण वहां पर लोग जूझ रहे थे। तो देखिए, दोनों तरफ से अमेरिका पर कहीं ना कहीं संकट आने वाला है। एक ओर तो आप देखेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी ही, साथ ही साथ आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर एक महामंदी भी आने वाली है, और प्रकृति भी कहीं ना कहीं एक तांडव मचाने वाली है। आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर जल तांडव आएगा, आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर अग्नि तांडव आएगा, वायु तांडव आएगा। और अमेरिका में जब वायु तांडव आता है तो वहाँ पर बहुत सारा आर्थिक नुकसान होता है, क्योंकि अमेरिका की भौगोलिक स्थिति जो है वो बहुत ही भिन्न है भारत के तुलना में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक वहाँ पर संयोग बन रहा है कि चारों ओर से अमेरिका पर आप देखिए कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और सच में यदि ऐसा हो गया तो अमेरिका सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि अमेरिका नामक जो राष्ट्र है वो सदा के लिए मिट जाएगा। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर महामंदी आती चली जाएगी, तो अमेरिका के अंदर आप देखेंगे कि खाद्य पदार्थों की भी कमी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप देखिए
साग सब्जी इत्यादि की कमी देखने को मिलेगी आपको, अनाज इत्यादि की कमी आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप देखेंगे कि भूख के कारण भी तड़पते हुए आपको दिखाई देंगे, लोग जो है भूख के कारण भी कहीं ना कहीं मरेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका की जो ये महामंदी रहने वाली है, कहा जा रहा है कि ये महामंदी 2007 वाले महामंदी से भी खतरनाक रहने वाली है, तो इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि इस बार जब महामंदी आएगी तो अमेरिका की क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए, इस महामंदी के दौरान ये भी होगा कि बड़े स्तर पर आप देखेंगे कि लोगों की नौकरियां भी जाएंगी, यानी कि जो लोग समृद्ध थे, जो लोग नौकरी कर रहे, जिन्हें कुछ धन प्राप्त हो रहा था उस नौकरी के माध्यम से, वो लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे थे, उनकी नौकरियां भी जाएंगी, जिसके कारण आप देखेंगे कि वो लोग अपने परिवार का कहीं ना कहीं भरण पोषण भी नहीं कर पाएंगे और इसके कारण उनके जीवन में एक भयंकर संकट देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसी दौरान एक सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है जो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए बहुत ही खतरनाक रहने वाला है। देखिए, ये सूर्य ग्रहण जब लगेगा उसके बाद ही कहा जा रहा है कि अमेरिका में एक खतरनाक संयोग बन रहा है। इस सूर्य ग्रहण के बाद ही अमेरिका की स्थिति बदलती चली जाएगी, यानी कि बहुत ही भयानक प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बहुत ही भयानक अमेरिका की स्थिति बनती चली जाएगी। तो कुल मिलाकर कहें तो ये सूर्य ग्रहण नहीं, आप कह सकते हैं कि अमेरिका के ऊपर एक ग्रहण होगा, जिसके बाद आप देखेंगे कि अमेरिका की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वहां पर ना तो भोजन रहने वाला है, ना ही जल रहने वाला है, और साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाएं जो आएंगी वो अमेरिका की स्थिति को बद से बदतर करती चली जाएंगी। तो देखिए, यदि हम 2007-2008 की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के अंदर भयंकर महामंदी आई थी, जिसमें लाखों लोगों की नौकरियां गई थी। आप देख सकते हैं कि उस समय लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे, और कहीं ना कहीं हम देखें तो लाखों लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे। परंतु इस महामंदी की जो भविष्यवाणी की गई है उससे भी खतरनाक, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस बार कहा गया है कि उससे भी अधिक लोगों की नौकरियां जाएंगी, और इस बार सच में भुखमरी आएगी। भुखमरी के कारण अमेरिका में आप देखेंगे कि लोग मरते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। तो सच कहें तो आने वाला समय अमेरिका के लिए बहुत ही खतरनाक रहने वाला है। अब आप प्रश्न करेंगे कि यदि आप भारत से जाकर अमेरिका में रह रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, यदि आप अमेरिका के अंदर रहते हैं, वहां पर आप निवास करते हैं, तो तत्काल आप अमेरिका को छोड़ करके भारत वापस आ सकते हैं, क्योंकि सच में अमेरिका की स्थिति ऐसी रहने वाली है कि आप वहां पर भूखे मर जाएंगे। आप सोचिए कि जब अनाज ही नहीं रहेगा तो आप कैसे जीवित बच सकते हैं। तो उचित यही है कि तत्काल आप अमेरिका को छोड़ करके भारत वापस लौट आए। यदि आप भारत आ जाते हैं तो निश्चित रूप से अपने परिवार के बीच में आप रह करके कुछ दिन अपना जीवन बचा सकते हैं, कुछ दिन सुरक्षित रह सकते हैं। वैसे कोई भी स्थान इस धरती पर सुरक्षित नहीं है, परंतु जब तक वह सुरक्षित है तब तक आप वहां पर निवास कर सकते हैं। तो जो लोग अमेरिका से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या आप ये वीडियो अमेरिका से देख रहे हैं और अभी अमेरिका में क्या स्थिति है। और हम आपको यही सुझाव देंगे कि आप तत्काल प्रभाव से अमेरिका को छोड़ करके भारत में वापस आ जाइए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचे और सभी समझ सकें कि अमेरिका किस प्रकार से डूबने वाला है और अमेरिका में किस प्रकार से संकट आने वाला है। हम जुड़ते हैं अतिशीघ्र, तब तक यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय समय पर हम आपको ऐसी ही जानकारियां देते रहते हैं। हम जुड़ते हैं, तब तक भजन करते रहिए, सेवा का कार्य करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।